हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एमसीयू के फेस 5 के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट मारो। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मुझे रिसेंटली रूमर मिली है एमसीयू के फेस 5 के बारे में कि 2022 में कितनी मूवीज़, मतलब जो जो आ रही है 3 मूवीज़, उसके नेम क्या हो सकते हैं, 2023 में कौन कौन सी मूवीज़ आ रही है, 2024 में कौन कौन सी मूवीज़ आ रही है। तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। रूमर ही है, सच भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2022 में जो पहली मूवी आएगी वो होगी ब्लेड की। और बात करो 2022 की सेकेंड मूवी, वो तो सबको पता है, ब्लैक पैंथर 2। और बात करो थर्ड मूवी 2022 की, वो होगी एंटमैन 3। और अब बात करते हैं 2023 के बारे में। तो 2023 की जो फर्स्ट मूवी होगी वो होगी कैप्टन मार्वल 2। और जो सेकंड मूवी होगी वो होगी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और जो थर्ड मूवी होगी वो होगी स्पाइडरमैन 4। और जो फोर्थ मूवी होगी वो होगी फैंटास्टिक 4, जिसका सबको वेट है बहुत सालों से। और अब बात करते हैं 2024 के मूवीज़ के बारे में। तो 2024 की जो फर्स्ट मूवी होगी वो होगी नोवा। और जो सेकंड मूवी होगी वो होगी एक्समैन के कोई भी कैरेक्टर के ऊपर, या फिर म्यूटन की भी हो सकती है, तो उस पर होगी। और जो थर्ड मूवी होगी वो सबकी फेवरेट होने वाली है रूमर के हिसाब से, वो होने वाली है न्यू एवेंजर्स। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है यानी कि 2024 में कोई एक एवेंजर्स की मूवी आती है, तो रूमर के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो मूवी हो सकती है न्यू एवेंजर्स। आप लोगों को जो लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। और ये जो लाइनअप था उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या फिर आपका कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे जो लाइनअप की रूमर मुझे मिली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2023 में भी जो चारों मूवीज़ आने वाली है चारों फैंटास्टिक है, और लास्ट में फैंटास्टिक 4 है, तो कमाल होने वाला है। और दोस्तों, मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि 2022 में हमें एंटमैन की मूवी में शायद कैंग भी दिख सकता है। तो ये तो रूमर ही है, आप लोगों को जो लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप लोग डेडपूल को भी ऐड कर सकते हो एमसीयू के फेस 5 में। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से कोई भी एक मूवी हटा के वो लोग डेडपूल की मूवी डाल सकते हैं, मुझे ऐसा जस्ट लग रहा है। आप लोगों को जो लगता है मुझे कमेंट करके बता दो, अगर डेडपूल को आप लोग देखना चाहते हो एमसीयू के फेस 5 में। तो वैसे मेरे को लग रहा है सच में पर्सनली कि एमसीयू के फेस 5 में डेडपूल हो सकता है, तो वो तो देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो लाइनअप है वो कैसे लगी आप लोगों को, यानी कि रूमर। और भी कुछ रूमर्स मुझे मिलती या फिर थियरीज मिलती है मुझे, तो मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो ना भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।